हेलो डियर स्टूडेंट, इजी स्टेप सॉल्यूशन में आप सबका स्वागत है। जी हाँ, आज हम सब बात करते हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो आइए डियर स्टूडेंट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा जा रहा है देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है कि 1.5 मीटर, तो इट मीन्स कि डेढ़ मीटर डियर स्टूडेंट, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वो ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ क्वेश्चन को समझते हैं कि एक भवन है। डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हो ए ई माने कि यहाँ पे भवन है, और डियर स्टूडेंट भवन से कुछ दूरी पर यहाँ एक लड़का खड़ा है जिसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है। तो डियर स्टूडेंट, ये जब खड़ा रहता है और भवन के जो यहाँ पे ऊंचाई को देखता है तो यहाँ पे उन्नयन कोण 30 डिग्री का होता है, लेकिन कुछ दूर चलने पर ये उन्नयन कोण कितना हो जाता है, 60 डिग्री का होता है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो लड़का यहाँ से चलकर यहाँ गया, इसकी दूरी को हमें ज्ञात करना है। तो आइए डियर स्टूडेंट चलते हैं। तो यहाँ हम सब पता करते हैं डियर स्टूडेंट, तो सबसे पहले क्या करते हैं, ट्रायंगल एबीसी को ले लेते हैं हम सब। तो यहाँ पे हम सब लिख चुके हैं डियर स्टूडेंट, और इसमें जो भी कुछ गिवेन होगा, जैसे भवन की ऊंचाई 30 मीटर दिया हुआ है, लड़के की लंबाई 1.5 मीटर है, तो हमें ज्ञात करना है कि लड़का भवन की ओर कितना चलकर गया है। तो त्रिभुज एबीसी जो दिख रहा है डियर स्टूडेंट, उन्नयन कोण 60 डिग्री के साथ, उसको लेते हैं हम सब। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं डियर स्टूडेंट, 10 60। तो 10 थीटा बराबर क्या होता है डियर स्टूडेंट, पी अपॉन बी होता है। तो अब हम सब क्या करते हैं, 10 थीटा का वैल्यू को हम सब यहाँ पे रख देते हैं, जो यहाँ पे √3 होता है डियर स्टूडेंट। और पी का जो है परपेंडिकुलर, थीटा का अपोजिट साइड आप देख सकते हो परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ पे ए बी परपेंडिकुलर लेते हैं डियर स्टूडेंट। और ए बी का जो हाइट है डियर स्टूडेंट, इसमें 1.5 मीटर घटाकर हम सब निकाल लें, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 28.5 मीटर, आप यहाँ पे देख सकते हो निकाल चुका डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम सब क्या करते हैं, सिर्फ अभी नाम लिखते हैं साइड का, वो क्या है डियर स्टूडेंट, ए बी। तो ए बी अपॉन क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, बी सी, बी सी बेस है। अब क्या करते हैं, इसका मान को रखते हैं, √3 को √3 रहने देते हैं डियर स्टूडेंट। और ए बी का मान कितना है, 28.5 अपॉन बी सी को बी सी ही रहने देते हैं। अब क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो ये बी सी √3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 बी सी इज इक्वल्स 28.5। अब क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम सब बी सी ज्ञात कर लेते हैं, बी सी बराबर क्या होगा, क्योंकि बी सी के साथ √3 मल्टीप्लीकेशन में है, इधर आके क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, डिवीजन में हो जाएगा, तो 28.5 अपॉन √3। तो डियर स्टूडेंट, हम सब यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 मान सकते हैं, अभी जहाँ पे बी सी का मान हम सबको ज्ञात हो चुका है। अब क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, सॉल्यूशन के लिए हम सबको जो बड़ा सा ट्रायंगल दिख रहा है ए बी डी, तो इसको ले लेते हैं डियर स्टूडेंट, जिसका थीटा यहाँ पे 30 डिग्री दिया हुआ। अब क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, लिख देते हैं यहाँ पे, अब त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में क्या दिख रहा है, थीटा दिख रहा है डियर स्टूडेंट। तो इस यहाँ भी हम सब क्या करते हैं, 10 थीटा ले लेते हैं। तो क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, यहाँ पे 10 30 इज इक्वल्स, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर ए बी ही होगा डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे ए बी ले लेते हैं। और बेस क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, बेस यहाँ पे बी डी हो जाएगा, तो बी डी को हम सब यहाँ पे लिख देते हैं डायरेक्ट अभी। अब क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, यहाँ पे सबका मान को रखते हैं, 10 30 डिग्री कितना होता है जी, 1/√3। तो यहाँ पे 10 30 के बदले हम सब क्या रख दिए डियर स्टूडेंट, 1/√3 इज इक्वल्स, ए बी का मान कितना है, 28.5, बी डी क्या है डियर स्टूडेंट, अगर हम सब देख सकते हैं तो बी डी बराबर यहाँ पे
एक्स प्लस बी से ले सकते हैं, तो हम सब यहाँ पे क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक्स प्लस बी सी ले लेते हैं। अब क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक्स प्लस बी सी वन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे सेम हो जाएगा डियर स्टूडेंट, क्या एक्स प्लस बी सी इज इक्वल्स यहाँ पे रूट थ्री 28.5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या होगा 28.5√3। अब आइए हम सब क्या करते हैं, यहाँ पे बी सी का मान यहाँ से इक्वेशन वन से ले जाकर यहाँ पे रखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स प्लस बी सी का मान कितना है 28.5√3 इज इक्वल्स, इधर वाला तो हमको सेम उतार देते हैं 28.5√3। अब आइए हम सब क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो आपको x दिख रहा है तो x को यहाँ पे रहने देते हैं और 28.5√3 को क्या करते हैं ट्रांसपोज कर देते हैं, यहाँ प्लस में है तो इधर जाके क्या होगा माइनस में आएगा डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पे x रहने देते हैं तो x इज इक्वल्स क्या हो जाएगा 28.5√3 माइनस 28.5√3। अब आइए सॉल्यूशन को आगे बढ़ा लेते हैं हम सब, यहाँ पे क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम सब करते हैं कि x बराबर डियर स्टूडेंट, यहाँ चूंकि बटे का घटा के रूप में दिख रहा है तो हम सब एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, तो एलसीएम क्या ले ले डियर स्टूडेंट √3 ही हो जाएगा, तो √3 एलसीएम और यहाँ पे 28.5√3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, चूंकि यहाँ वन छिपा हुआ है डिनोमिनेटर में, तो इसलिए डिवीजन भागफल जो होगा √3 होगा, इसलिए √3 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना होगा 28.5√3 √3 माइनस 28.5। अब यहाँ पे सॉल्व करते हुए इधर हम सब लेके आ जाते हैं सॉल्यूशन को, x इज इक्वल्स यहाँ पे क्या हो जाएगा 28.5, तो यहाँ √3 × √3 कितना हो जाएगा सिर्फ 3 होगा डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे 3 लिख देते हैं और इधर वाला टर्म सेम हो जाएगा 28.5√3। आइए हम सब आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या है x है, तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हो 28.5 और यहाँ पे माइनस 28.5 है, तो हम सब जान सकते हैं कि यहाँ से हम सब कॉमन ले सकते हैं, तो आइए कॉमन ले लेते हैं हम सब। तो यहाँ पे x इज इक्वल्स क्या हो जाएगा 28.5 को अगर कॉमन लेंगे तो ये बाहर आ जाएगा 28.5 और इधर क्या बच जाएगा 3, तो 3 रहने दिए। अब ये तो कॉमन लिया जा चुका है इसलिए यहाँ पे 1 हो जाएगा डियर स्टूडेंट, अपॉन कितना हो जाएगा √3। अब क्या हो जाएगा x इज इक्वल्स 28.5√3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम सब क्या करते हैं x इज इक्वल्स यहाँ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा डियर स्टूडेंट 5 × 2 10 0 1 10 16 1 7, तो यहाँ पे 57.0 होगा अपॉन √3। तो डियर स्टूडेंट अब हम सब क्या करते हैं यहाँ पे हर का प्रेमीकरण कर लेते हैं, हर का प्रेमीकरण करने से आइए हर का प्रेमीकरण करते हैं, x इज इक्वल्स क्या हो जाएगा 57√3 अपॉन यहाँ √3 तो था ही डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख सकते हो √3 था इंटू, एक बार ये ऊपर नीचे हम सब क्या करते हैं हर का प्रेमीकरण में √3 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ x बराबर क्या दिखेगा 57√3 यानी कि 57√3/3 तो 3 1 3
और 19th रेयर कितना होता है डिएक्शन 57, तो इसलिए यहाँ पे आपको क्या आ गया डिएक्शन एक्स का वैल्यू आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम सब लिख देते हैं एक्स इज इक्वल्स यहाँ पे हो गया 19√3। तो अतः यहाँ पे क्या पता चलता है डिएक्शन, आता लड़का भवन की ओर 19√3 मीटर चलकर गया है। तो डिएक्शन अगर मेरा सॉल्यूशन इजी लगा तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स।